एकदम परफेक्ट। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, इंडिश फूड की तरफ से आपका मेज़बान अहमद अवैस एक और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। जी तो दोस्तों, आज जो रेसिपी मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रहा हूँ बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी है, और वो है एलोपिनो चीज़ ब्रेड रोल्स। तो चलिए आप सबको बताता हूँ कि ये मज़ेदार रेसिपी कैसे बनाई जाती है। जनाब, ये 5 से 6 एलोपिनोज लिए हैं मैंने और इसको बिल्कुल फाइन चॉप कर लूँगा मैं। ये देखें जनाब, ऐसे बिल्कुल फाइन चॉप इसको कर लेना है, एकदम कीमा। एलोपिनो चिलीज को हमने फाइन चॉप कर लिया है, आप रेड और येलो पेपर को भी अच्छी तरह से फाइन चॉप कर लेंगे। ये मीडियम साइज की मैंने ली है, पहले इसको काट लेते हैं। बेल पेपर को मैंने अच्छी तरह से फाइन चॉप कर लिया है, तो आप इसमें जो पानी मौजूद है उसको निकाल लेंगे। आप अभी जो चीज़ रोल मैं बना रहा हूँ ये मैं ब्रेड के साथ बना रहा हूँ, तो इसलिए इसमें अगर थोड़ा बहुत पानी रहता भी है तो वो ब्रेड में एब्जॉर्व हो जाएगा, लेकिन अगर आप डायरेक्ट चीज़ रोल बना रहे हैं तो आपको बिल्कुल इसका जो पानी है वो निकालना पड़ेगा, तो इस बात का खास ध्यान रखिएगा। ये देखिए, इसको मैंने हाथों की मदद से इसमें से जो पानी है वो मैं निकाल लूँगा। इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके हम सारा इसका पानी निकाल लेंगे। ये देखिए, सारा पानी मैंने इसमें से निकाल लिया जनाब। इसी तरह मैंने एलोपिनोज में से भी पानी निकाल लिया। एलोपिनोज से मैं आपको बता दूं, ये स्पाइसी नहीं होती, इसका सिर्फ फ्लेवर होता है। अब इसमें मैं थोड़ी सी मोजरेला चीज़ ऐड करूँगा। और थोड़ी सी मैं चेडर चीज़ इसमें ऐड कर रहा हूँ। आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल है आप उससे बना सकते हैं, लेकिन इसमें चेडर चीज़ का जो फ्लेवर आता है ना वो बहुत ज़बरदस्त लगता है। अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इन सब को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब इसमें मैं थोड़ी सी ब्लैक पेपर ऐड करूँगा, तकरीबन 1 टीस्पून, थोड़ा सा साल्ट 1/2 टीस्पून के करीब, आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी चिली फ्लेक्स तकरीबन 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून ओरिगैनो। अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। जी जनाब, ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, तो आप इसको ब्रेड में स्टफ़ कर लेते हैं और रोल बना देते हैं। जनाब, ब्रेड की साइडें मैंने काट ली हैं, तो आप इसमें इसको स्टफ़ करते हैं। तो सबसे पहले इसको बेलने की मदद से हम थोड़ा प्रेस कर लेंगे ऐसे। ये जो मटेरियल हमने रेडी किया हुआ है इसको एक शेप में दे देते हैं, रोल सी शेप में, ताकि उसमें स्टफ करना इजी हो जाए। ये देखिए, मैंने इसको रोल शेप में दे दिया। अब इसको यहाँ पे रखते हैं ऐसे, और इसको ऐसे बंद कर देते हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी लगाएंगे। पानी लगाने से ये अच्छी तरह से बंद हो जाएगा, और ऐसे बंद करने के बाद इसको हल्का सा, जो इसका ये वाला पार्ट है, इसको पानी में हल्का सा डिप करें,
और इसको ऐसे बंद कर दें। ये देखिए इधर से अच्छी तरह से बंद हो गया है, तो अब दूसरी साइड से भी ऐसे ही बंद कर लेंगे इसको। ये देखिए जनाब हमारा रोल बन चुका है, तो अब इसी तरह हम सारे प्रिपेयर कर लेंगे। लीजिए जनाब हमारे रोल रेडी हैं जी। जनाब अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें ये हाफ कप वाइट फ्लोर लिया है, इसमें मैं 1 कप वाटर ऐड करूँगा। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसका मीडियम सा मिक्सचर बना लेंगे। बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना आपने और ना ही बहुत ज़्यादा पतला हो, बस मीडियम सा रख के तो फिर इसमें इसको डिप करेंगे। ये देखिए जनाब ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। तो जनाब सबसे पहले मैं इसमें डिप करूंगा और इसमें डिप करने के बाद ये ब्रेड क्रम्स हैं जो बिल्कुल बारीक वाले हैं आपने लेने हैं। देखिए ब्रेड क्रम मैंने इस पर लगा दिया है, तो अब ऐसे ही सारे जो हैं वो रेडी कर लेंगे। लीजिए जनाब सब रोल्स फ्राई होने के लिए रेडी हैं। जनाब जब तक ऑयल गर्म हो रहा है तब तक के सॉस इसके साथ जो सर्व करेंगे उसको रेडी कर लेते हैं। तो चलिए मैं आप सबको बताता हूँ कि ये सॉस कैसे रेडी करनी है। 2 टेबलस्पून मैंने मायोनीज लिया है और 2 टेबलस्पून इसमें चिली सॉस के ऐड करूँगा, थोड़ा सा ओरिगैनो, ब्लैक पेपर, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स। सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ज़बरदस्त सी सॉस रेडी है जनाब। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है तो चलिए अब फ्राई कर लेते हैं। एक बात का ख्याल रखिएगा कि ऑयल आपने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, नहीं तो ये ऊपर से बिल्कुल जल जाएंगे। जनाब ऐसे ही 1-1.5 मिनट के लिए इसको मैंने फ्राई किया और ये रेडी हो गए हैं, तो चलिए अब इसको निकाल लेते हैं। जी जनाब क्रिस्पी एलोपिनो चीज़ रोल हमारे रेडी हैं, तो चलिए अब मैं सबसे पहले टेस्ट करके आप सबको बताता हूँ कि ये कैसे बने हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये रोल बहुत क्रिस्पी बने हैं और इसमें से खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। ये देखिए एकदम परफेक्ट, बहुत मज़ेदार जी। ख़वातीन हज़रात आई होप आप सबको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, खुद भी इसको ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी है। जिन मेरे दोस्तों ने मेरे चैनल इंडिश फूड को अभी ज्वाइन किया है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल इंडिश फूड को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबाएँ। बहुत जल्द मिलते हैं एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। इसी के साथ अहमद अवैस को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।